हेलो दोस्तों, मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कल यानी 27 सितंबर कल एडवांस का 2020 जेई एडवांस का पेपर संपन्न हुआ और अलग अलग लोगों की इस पेपर को लेकर अलग अलग राय है, उसको डिफिकल्टी को लेकर, खासकर फिजिक्स के सब्जेक्ट को लेकर। तो किस तरह का पेपर था, आज इस लेक्चर में पेपर किस तरह का था, उसके कुछ उसके क्वेश्चंस का जो लेवल था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन का हम यहाँ पर अब सोल्यूशन देने वाले हैं। तो देखते हैं कि हर क्वेश्चन को छोटे से छोटे मेथड से आसान तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाए, जरा देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, फुटबॉल ऑफ रेडियस आर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है क्वेश्चन, फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट on a hole of radius small r is less than capital, small r is less than capital R, made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that football does not start rolling down the plank. Okay. तो देखिए, एक inclined plane के ऊपर एक छोटा सा hole है और इसके ऊपर एक football रखा गया है, इसके अंदर embedded कर दिया। देखिए, ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा हूं, ये जो होल है, इस होल के अंदर एक फुटबॉल रखा गया है। पहले तो मान लीजिएगा एकदम हॉरिजॉन्टल, जैसे जैसे इस एंगल को अगर हम टिल्ट करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल के पास ये इसके ऊपर रोल करना शुरुआत करेगा। सो विच एट वॉट मोमेंट इट विल स्टार्ट द रोलिंग, जब वो मोमेंट वो होगा कि जब यहां का कॉन्टैक्ट ये वाला स्पीयर ब्रेक करेगा तो तब ये रोल होना शुरुआत होगी, रोलिंग की शुरुआत होगी, राइट। उस इंस्टेंट पर भी, अभी रोल नहीं हो रहा है, रोलिंग शुरुआत होगी उसके बाद, तो उस इंस्टेंट के पास भी mg का एक कंपोनेंट इधर होगा साइन कॉस और इधर वाला होगा साइन n का। ये पॉइंट क्या बोर्ड में ये दो कंपोनेंट लगेंगे, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, है ना। mg को ही हम ब्रेक करते हैं और एक लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि यहाँ का जब ये रोल करना चालू करेगा उस टाइम में ये जो कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में ये पॉइंट क्या अबाउट में अगर मैं देखता हूं तो ये पॉइंट क्या अबाउट में नॉर्मल का तो टॉर्क, इस ये वाले नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, और mg sin theta और cos theta का टॉर्क ये पॉइंट क्या अबाउट में बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज इट हैज नॉट स्टार्टेड एट, इट विल स्टार्ट नाउ, ओके, राइट। अभी भी mg sin theta और mg cos theta का टॉर्क ये पॉइंट के अबाउट में बैलेंस करना चाहिए, और उसके बाद इस एंगल से फर्दर एंगल के पास अगर आप और इसको टिल्ट करना शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं mg sin theta का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा mg cos theta से और ये टिल्ट होगा, ये इसके ऊपर रोल करना शुरुआत करेगा। तो वी आर टॉकिंग द मोमेंट वेन इट विल स्टार्ट रोलिंग, तो उस केस में भी इसके ऊपर का टॉर्क जीरो होगा, लेकिन इसका टॉर्क अभी थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे तो नॉन जीरो होगा और रोल करने लगेगा। सो वी आर टॉकिंग द मोमेंट व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग एट दैट इंस्टेंट आल्सो इट्स टॉर्क जीरो, ग्रेविटी का टॉर्क जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट के अबाउट में ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए दिस स्मॉल आर बाय दिस कैपिटल आर, दिस शुड बी द आंसर। उस क्वेश्चन में जो दिया गया ऑप्शन है मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइन थीटा इज इक्वल स्मॉल आर बाय कैपिटल। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लाइट डिस्क मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम जो कंडक्टिंग है बट नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं है, इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली, जैसे इस तरह से एक मैग्नेट रखा गया है, पॉइंट अबोव द डिस्क अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस, इस तरह से एक पॉइंट कर रहा है मैग्नेट को, और बोला गया है ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट, इस मैग्नेट को हम, ये मान लीजिएगा डिस्क है, एक मैग्नेट को हम ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, डिस्क के ऊपर एक मैग्नेट को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ ऑप्शन ही यहां पर दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या होगा, जैसे कि इस मैग्नेट को हमने यहां पर रख दिया और मैग्नेट को इस डिस्क के ऊपर अगर, एज द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट दिस, डिस्क के ऊपर किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है, इट कैन रोटेट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, लेकिन इनिशियली डिस्क रेस्ट में है और मैग्नेट को अगर हम ऐसे इस तरह से मूव करेंगे डिस्क के ऊपर तो ये मैग्नेट क्या करेगा, डिस्क के अंदर एडी करेंट्स परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्स है वो कट करते जाएगा डिस्क को, फ्लक्स कट करते जाएगा डिस्क को, तो एडी करेंट फॉर्म होगा, तो एडी करेंट उस तरह से होगा कि उसके कॉस को अपोज करने की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब
ये एडी करंट क्यों फॉर्म हो रहा है, इस मैग्नेट के बीच में और डिस्क के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण आ रहा है। तो इस रिलेटिव मोशन को अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो भी रिलेटिव मोशन का इफेक्ट को कम करना है तो डिस्क को उसी सेंस में घूमना पड़ेगा, तो ही जाके रिलेटिव मोशन मिनिमाइज होने की कोशिश होगी। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना है तो डिस्क को इस अपने मैग्नेट के साथ ही घूमना पड़ेगा। यानी मैग्नेट कैसे घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोटेट इन द डायरेक्शन, यस मैग्नेट जिस सेंस में घूम रहा है उसी सेंस में डिस्क को घूमना पड़ेगा। और इसमें एडी करंट आने की वजह से एडी करंट रेजिस्टिव लॉसेस की एडी करंट की वजह से रेजिस्टिव लॉसेस आएंगे, रेजिस्टिव लॉसेस की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होगा और इसका धीरे 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 से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इसके ऑप्शन जो हो गए रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, बोला गलत, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट रोटेशन सही है, not rotate and its temperature will remains unchanged, not rotate but temperature only rise, rotate in the same direction of magnet's motion, ये करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये एडी करंट की वजह से गर्म होता है, राइट यहां पे लेकिन किसी भी बोला नहीं कि गर्म होता है, बल्कि बोला है सी में बोला है, सॉरी किसी में भी नहीं बोला, रिमेन्स अनचेंज बोला है, बाद में राइज बोला है, लेकिन उसमें नॉट रोटेट बोला है, वो गलत है। बी में क्या बोला है, टेम्परेचर बढ़ता है बट रोटेट नहीं होता है बोलता है, रोटेट तो होता है उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, डी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है इसमें, अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक बड़ा रोलर है इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर यानी रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर एंड एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब अंदर जो ये जो दिख रहा है ये एक्सेल है, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। ओके यहां पर एक फिगर दिया गया है, इट इज एक मीटर स्केल है, यहां पर मीटर स्केल यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, इसको इस एक्सेल के ऊपर रखा गया है, जैसे कि डायग्राम में देखिए आप दिख सकते हैं आपको, मीटर स्केल इज पोजिशन हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस विथ वन एज ऑफ द स्केल on top of the axle, the scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle and the rollers start rolling without slipping, after the rollers has moved 50 cm the position of the scale will look like, मतलब ये roller जब हमें बोला जा रहा है यानी roller का जो center of mass है वो आगे बिना किसी slipping का यानी pure rolling करते हुए कहीं पर भी किसी भी तरह की slipping नहीं है, ना यहां हो रही है ना यहां हो रही, किसी स्लिप पे बिना किसी स्लिपिंग का ये सेंटर ऑफ मास अगर 50 सेंटीमीटर जाएगा आगे तो ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में कितना आगे जाएगा, मतलब इसका जो पोजीशन होगा इसका जो डायग्राम होगा ये इसको हमको आगे बढ़ाना है, यहां पर किसी भी तरह की स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी क्या मतलब है यहां ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी और ये जो मीटर स्टिक है इसकी वेलोसिटी सेम रखते हुए उसको आगे पुश करेंगे तो ये कितना आगे जाएगा हमको ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी वेलोसिटी मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट मानता हूं, इसकी वेलोसिटी वी मानता हूं, ये पॉइंट जाना कि हालांकि ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है तो ये इसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम बोल सकते हैं ICVOR। तो ये पॉइंट के अबाउट में सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा वी बाय ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वी नॉट बाय आर। तो इसके हिसाब से अगर मैं स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू डालता हूं 10 और ये 5 15 और ये हो गया 5 यानी ये 3/2 इंटू वी नॉट होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास जो है यदि अगर वी नॉट से जाएगा अगर ये सेंटर ऑफ मास अगर वी नॉट वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट कितने वेलोसिटी से जाएगा, ये वाला पॉइंट जाएगा 3/2 वी नॉट। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में देखता हूं इसके फ्रेम में देखता हूं तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट ये 3V0/2 और ये V0 मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 3V0/2 माइनस V0 यानी 3V0/2 माइनस V0 तो ये कितना होगा V0/2। तो इसे ऐसा लगेगा कि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है और ये वाला पॉइंट 2V से आगे जा रहा है सॉरी V0/2 से आगे जाएगा। तो आप बताइएगा ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है और ये वाला पॉइंट V0/2 से आगे जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी V0/2 राइट। तो आपने अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमें को बोला गया है कि ये वाला सेंटर ऑफ मास अगर वी नॉट सॉरी 750 सेंटीमीटर जाएगा या अगर 50 सेंटीमीटर जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कितना जाएगा ये 50 अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट है
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो सर्टेन टाइम में अगर ये 50 सेंटीमीटर जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वी नॉट बाय टू, तो ये कितना जाएगा, 25 जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कैसे दिखने वाला है ये, अगर ये थोड़ी देर से ऐसे होगा तो ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कितने से आगे गया, 25। ये वाला पॉइंट 50 गया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके वाला पॉइंट कितना जाएगा, 25 आगे जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 75 जाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में 25 जाएगा, मतलब आगे 25 सरक गया होगा, आगे 25 सरक गया होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा ये 25 है पूरा। ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था पूरा, 100 सेंटीमीटर था, उसमें 25 आगे गया, तो दिस पॉइंट विल रीड 75 सेंटीमीटर इफ इट इज x इज इक्वल जीरो। इफ इट इज x इज इक्वल जीरो देन इट इज x इज इक्वल 100। तो ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ का पॉइंट, ये वाले रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट, ये जान इसे 50 सेंटीमीटर जाने के लिए जितना वक्त लग रहा है उतने वक्त में इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट 25 सेंटीमीटर जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो इधर 75 रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से बी करेक्ट ऑप्शन आता है, राइट। इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। इसमें इस अरेंजमेंट में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें एक डायग्राम दिया है, जैसे ऐसे एक कैपेसिटर है और इधर एक रिंग लगाई गई है। ये भी काफी आसान सवाल है। ये रिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसको इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बी नॉट। ये कैपेसिटर कुछ तो भी चार्ज है, इसके ऊपर समथिंग क्यू चार्ज दिया गया है। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन, हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, इट्स टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू वायर्स एंड हैंगिंग बाय वायर्स विथ इट्स प्लेन बींग वर्टिकल, इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है। और बोला गया द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विथ विच इज चार्ज क्यू। और बोला गया फाइनली क्या है कि इसको अगर स्विच को क्लोज करोगे, इसको स्विच को क्लोज करोगे तो, और इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, स्प्लिट सेकंड में ये वाला पूरा चार्ज इसके थ्रू पास होगा और इसमें एकदम से अचानक से करंट आएगा। थोड़ी पल के लिए इसमें क्या होगा, अचानक से इसमें करंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा करंट आएगा, इंपल्सिव करंट होगा। और वो करंट क्या होना चाहिए, क्यू बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमको नहीं पता, ये बहुत छोटा है, डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटी देर के लिए पूरा का पूरा चार्ज इसके थ्रू पास हो जाएगा, इसके थ्रू पास हो जाएगा तो इसको डायपोल मोमेंट आएगा। और डायपोल मोमेंट है जिसमें करंट पास होते ही, इसमें कुछ करंट आते ही इसको डायपोल मोमेंट आएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हमको पता है कि कोई भी डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको, इस डायपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन, यदि इसका अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट वेक्टर को बी नॉट के डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, उसके लिए टॉर्क लगाएगा। ये करंट हालांकि बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए लग रहा है, तो ये टॉर्क भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा लगेगा, यानी टॉर्क भी जो होगा वो इंपल्सिव होगा। वो टॉर्क कितना होता है, एन आई बी इंटू साइन थीटा होगा, लेकिन ये जब तक ये करंट घूम गया, जब तक इसमें से जब तक करंट जा रहा है, तो वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लग रहा है। तो ये मतलब तब तक इसका जो प्लेन है लगभग परपेंडिकुलर ही है, इसका जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है या फिर डायपोल मोमेंट वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड को लगभग उस उतनी देर के लिए परपेंडिकुलर ही है, तो उतनी देर तक लगातार इस टॉर्क से एक्सेलरेट हो रहा है एंगुलरली, तो उसको बहुत ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और एंगुलर मोमेंटम आएगा। ये टॉर्क इंपल्सिव है, तो इसका इसकी वजह से, इस इंपल्सिव टॉर्क की वजह से हमको एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है। तो इंपल्सिव जब टॉर्क होता है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए टाउ इंटू डीटी, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, टाउ इंटू डीटी इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, टाउ का मतलब होगा एन ए डी आई इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू डी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली कुछ भी एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं इसको। तो n तो दिया गया, a का मतलब पाई आर स्क्वायर, b का मतलब b नॉट है, i इंटू डेल्टा टी यहां से देख सकते हैं, i इंटू डेल्टा टी आप q के बराबर लिख सकते हैं, इट शुड बी एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं मेरे ख्याल से इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ पाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्टिक्स से है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन ही है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां पर वेव फ्रंट की स्पीड कम हो रही है और कहां पर वेव फ्रंट की स्पीड
ज्यादा हो गई है। देखिए एक ऐसा एक वेव फ्रंट है, एक एक कोई तो भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव ये इस तरह सा शेप है किसी मीडियम का, इस मीडियम का यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये सारा का सारा वेव फ्रंट इस मीडियम में जाने के बाद यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह इसी तरह से जाएगा, ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये जो वेव फ्रंट है एयर में आ जाएगा और इसकी तो बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी, लेकिन ये जो पार्ट है वेव फ्रंट का वो स्लो डाउन, मतलब इसकी स्पीड कम होगी मीडियम में है तो, ये एयर में जाएगा थोड़ी देर के बाद, ये वाला जो हिस्सा है वेव फ्रंट का ये एयर में जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, और ये वाला जो हिस्सा है अभी भी मीडियम के अंदर है तो उसकी स्पीड कम रहेगी, ये वाले मीडियम ये वाले पार्ट की भी स्पीड कम रहेगी, तो थोड़ी देर के बाद ये, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये देखो ये सबसे पहले तो ये आगे जाएगा, ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा, ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो ये इसके अंदर रहेगा, ये वाला पार्ट आगे जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरह से कुछ जाएगा, ये वाला यहां से जो निकला हुआ पार्ट बहुत आगे जाएगा, यहां से निकला हुआ थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, और यहां से क्या होता जाएगा आप देख सकते हैं, यहां से निकलने के लिए यहां इसके अंदर का जो वेव फ्रंट है इस पोर्शन से निकलने वाला वेव फ्रंट काफी देर तक अंदर रहा तो ये पीछे बहुत रिटार्ड मतलब बहुत पीछे पड़ जाएगा, और यहां का यहां से निकला हुआ वेव फ्रंट भी बहुत पीछे पड़ जाएगा यहां का, और ये वाले फिर यहां से ये इस पोर्शन से या इस पोर्शन से निकले हुए फ्रंट आगे रहेंगे थोड़ा सा इस तरह से, तो आप दिखा सकता हूं इसका जो वेव फ्रंट होगा ये वाला हिस्सा बहुत आगे जा चुका होगा और ये वाला थोड़ा सा इस तरह से ये वेव फ्रंट, तो इस तरह का कुछ वेव फ्रंट बनेगा। आप देख सकते हैं इसको मैच होते हुए कोई ऑप्शन अगर नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इसका ज्यादा सुटेबल है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन, तो इसमें तो कुछ नहीं है देखना है, इस रीज यहां से एंटर होने वाला वेव फ्रंट थोड़ी देर तक मीडियम में है और सबसे पहले एयर में निकलता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब बाकी का जो हिस्सा है वेव फ्रंट का भी मीडियम में ही है और ये वाला हिस्सा बाहर निकल गया एयर से, तो इसकी ये काफी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा इसके कंपेयर, ये सबसे ये यहाँ ये वाले पोर्शन को ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन काफी देर तक मीडियम में है, काफी देर तक इसको मीडियम में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये एयर में बहुत कम ट्रैवल कर रहा है, ये मीडियम में ज्यादा कर रहा है, तो इसकी स्पीड ये पीछे पड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा भी पीछे पड़ जाएगा, बाकी का हिस्सा आगे जाएगा, तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे जा रहा था शुरुआत में, ये अंत में कुछ ऐसे होगा, राइट, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या गिवन है कि शुरुआत में इसमें लिक्विड पानी भरा हुआ है दोनों तरफ से इक्वल लेंथ, और क्रॉस सेक्शन भी सेम है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो ये जो लेवल है शुरुआत का ये है कुछ 0.29 मीटर, जिसे हमें शुरुआत वाला जो भी लेवल है इसे हम 0.29 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना भी गिवन है, इसे एल कहते हैं, ओके दिस इज द इनिशियल लेवल, दोनों तरफ से सेम होगा। अभी क्या किया गया कि इसके अंदर यहां से धीरे से दूसरा लिक्विड यहां से छोड़ा गया है, दूसरा लिक्विड है हमारा ये पानी जो दी गिवन है, इसकी जो डेंसिटी हमको गिवन है रो इज इक्वल 10.3 किलोग्राम मीटर क्यूब, जैसे जानते हो, इधर से दूसरा एक लिक्विड छोड़ा गया जिसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब किरोसिन जो छोड़ा गया है उसकी जो डेंसिटी है 800 किलोमीटर, तो यहां से धीरे से अगर हम ये छोड़ते हैं इसमें इधर से इस लिम में किरोसिन को एंटर करवाते हैं तो ये धीरे 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 ये जो किरोसिन है इसके नीचे जाएगा, मान लेते हैं ये जो किरोसिन है और कितना लेंथ किरोसिन का कितना कॉलम वाला लेंथ यहां से छोड़ा गया है, किरोसिन का जो लेंथ है वो है कुछ लगभग 0.1 मीटर यहां से छोड़ा गया, तो हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि ये जो किरोसिन है यहां से छोड़ने के बाद, ये जो किरोसिन इधर से छोड़ने के बाद पानी का जो ओरिजिनल लेवल जो था शुरुआत में किरोसिन को छोड़ने से पहले जो ओरिजिनल लेवल था उससे जो अभी पानी और किरोसिन का जो इंटरफेस है या पानी का इधर वाला जो पहले एटमॉस्फेयर और वाटर का जो इंटरफेस था, अभी ये जो इंटरफेस है वो एक्स गया नीचे ऐसा मान लेते हैं, एक्स अगर गया ऐसा मान लेते हैं तो ये तो एक्स ही होगा, तो यहां यहां पे पहले पानी हुआ करता था यहां पे, तो इतना पानी कम होगा, ये वाला लेवल तो इधर से तो पहले यहीं तक ही था शुरुआत में, इधर ये केरोसिन छोड़ने से पहले इधर वाला लेवल ये था, लेकिन यहां पर इतनी रीजन में एक्स इंटू इसका क्रॉस सेक्शन समथिंग ये मानता हो तो एक्स इंटू ये वॉल्यूम वाला ये वॉल्यूम यहां पर पानी हुआ करता था पहले, अभी वहां पर किरोसिन है तो ये पानी कहाँ गया, तो ऑब्वियसली ये वाला पानी इधर गया होगा, तो ऑब्वियसली वो पानी को यहाँ का जो भी पानी यहाँ पे कम हुआ हो गया और उसकी जगह पे किरोसिन आया, ये जो पानी है यहाँ का वो यहाँ आ गया है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ये वॉल्यूम अगर ये वॉल्यूम सेम है क्रॉस सेक्शन सेम है तो ये हाइट अगर एक्स है तो इसे भी मुझे एक्स ही मानना पड़ेगा,
तो फाइनली ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर केरोसिन और लिक्विड का इंटरफेस है, यहाँ पे वाटर और वाटर का इंटरफेस है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि यहाँ का ये पॉइंट को अगर मैं ये बोलता हूँ, ये पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम, तो यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, पी नॉट प्लस, इसकी जो डेंसिटी है 8 जी, रो जी एच होता है ना प्रेशर, रो इसका तो सिग्मा है, जी ये जो हाइट है उसकी 0.1, ये यहाँ का प्रेशर हो गया पी ए का। एंड व्हाट शुड द प्रेशर एट पॉइंट बी, दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 1000 इंटू जी इंटू व्हाट इज दिस आई डोंट नो, इसको हम 2x, इसका इधर से वाटर कॉलम यहाँ पे कितना बन रहा है 2x मानते हैं। तो देखिए इधर पी नॉट तो जा रहा है, जी जी भी गया है इधर, इधर हम देख सकते हैं 800 इंटू 0.1 इज इक्वल ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 इंटू एक्स। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कुछ जिसे हम लिखते हैं, ये जीरो और ये जीरो गया, तो 0.8 यानी 0.4 या 0.04 होगा, है ना, ये 0.8 हो गया और इधर 10 तो 0.04 राइट, ये 2 से भी डिवाइड, एक्स की वैल्यू तो आ गई। तो हमें क्या बोला गया अभी, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो लेवल है यहाँ से, ये जो पूरा जो लेवल है ये से H1 बोला गया है, H1, और ये जो पूरा लेवल है इधर से, ये जो पूरा लेवल है वो H2 बोला गया। तो आप देख सकते हैं ये शुरुआत में यहां तक था, ये था अपना, ये 0.29 था और इधर x बढ़ गया है, और x प्लस 0.29 को मिला के H2 बोला जा रहा है। तो H2 क्या होना चाहिए, देखिए 0.29 प्लस 0.04 यानी ये क्या होना चाहिए 0.2904 अगर करते हैं तो 0.3 द H2 शुड बी इक्वल टू 0.33 होना चाहिए। और H1 की अगर बात करते हैं तो H1 शुड बी इक्वल टू, देखिए और ये जो लेवल है ये क्या होना चाहिए, ये पूरा 0.29 था और ये x है, तो ये क्या होना चाहिए 0.29 माइनस x, और ये ऊपर से यहां तक, यहां तक ये जो लेवल है ये पूरा ये कितना था 0.29 था, तो ये भी 0.29 होगा, उसमें से x माइनस कर दिया तो ये क्या होगा 0.29 माइनस x, और प्लस इसके ऊपर 0.1 मीटर का हमने केरोसिन छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये प्लस 1 होगा, ये पूरा, ये जो पूरा होगा वो 0.929 माइनस x प्लस 1, इसे हम H2 कह रहे हैं, H1 कह रहे हैं। तो H1 का मतलब क्या होगा 0.29 माइनस एक्स का मतलब तो हमको पता है 0.04 प्लस 0.1, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.1 और ये मिलके क्या होगा 0.39 माइनस 0.04, तो 0.39 में से 0.04 अगर माइनस कर देते तो 0.35, तो H1 विल बी इक्वल टू 0.35 और H2 हमारा आया है 0.33। तो हमको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो H1 बाय H2 चाहिए हमें, H1 बाय H2 अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर H1 बाय H2 अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू 0.35 बाय 0.33 यानी 0.35 बाय 0.33, सो ये होगा 35 बाय 33 यानी इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट है बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए अभी क्वेश्चन पेपर, पहले क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 सेक्शन 2 देख रहे हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, देखिए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ r इज इक्वल समथिंग r इनटू f, r मतलब एक सेंटर से रेडियल डिस्टेंस है और f मतलब कोई तो भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और बोला गया है कि स्मॉल r कोई भी डिस्टेंस है सेंटर से उस पार्टिकल का, इट्स एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग द बोर मॉडल, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर का मॉडल जिस तरह से बोर के जो भी अजम्पशन है वो अजम्पशन आप यहां पर लगा सकते हो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो रेडियस कैपिटल आर है, वेलोसिटी वी है और बोला गया है कि एनर्जी अगर ई है तो कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, हमको पता है पोटेंशियल, अगर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस
अगर डिफाइन होती है तो उसके साथ एक कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स F विल बी इक्वल टू माइनस dV बाय dr, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर मैं V का डेरिवेटिव लेता हूं, ग्रेडियंट निकालता हूं, यहां पे वन डायमेंशन है इसलिए सिंपली डिफरेंशिएशन करने से हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं r के रिस्पेक्ट में तो F आ रहा है, माइनस F का मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो F का मैग्नीट्यूड, मैं इसका मैग्नीट्यूड F ले लेता हूं, ठीक है, और ये जो फोर्स है इस पार्टिकल के ऊपर इधर लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है F, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ लगेगा फोर्स F, माइनस का मतलब ओरिजिन की तरफ लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, और यही फोर्स इस पार्टिकल को घूमने के लिए सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय r। और हमें बोला गया कि बोर्स के मॉडल जैसा ट्रीट करके यहां पर एनर्जीज कैलकुलेट करना है। तो बोर ने क्या अजम्पशन लिया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, वो h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n मतलब एनी इंटीजर। तो यहां सर, यहां से mvr इज इक्वल n बाई 2 पाई लिखा, और यहां से f इंटू r इज इक्वल mv स्क्वायर लिखा है मैंने इन दोनों इक्वेशन में। अब इसमें v के बदले यहां से nh बाई 2 पाई mr लिख दिया यहां पर, तो v के बदले मैंने यहां से nh बाई 2 पाई mr लिख दिया, तो ये वाला इक्वेशन है। इसमें से r को, r की वैल्यू निकाली तो कुछ इस तरह से आ रही है। तो R में उसने प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है क्वेश्चन में, तो R क्यूब का मतलब ये होता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 बाय 3। साथ ही साथ में वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, इसी R को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखिए V कुछ इस तरह से आता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर 1 बाय 3, इस तरह से कुछ आता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों चीजें, R की वैल्यू n पावर 2 बाय 3 को प्रपोर्शन है और V की वैल्यू n पावर 1 बाय 3 को प्रपोर्शन है, तो B ऑप्शन में दोनों चीजें दी गई, तो B ऑप्शन करेक्ट है इसका, एक B ऑप्शन तो करेक्ट है। और साथ ही साथ में अभी एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी देखिए, एक घूमने वाले पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी है V ऑफ R और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। V ऑफ R का मतलब उसने दिया है R, और R और F, ये कैपिटल R रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका रेडियस कैपिटल R, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आर इंटू एफ। वी की वैल्यू हम यहां से ये वैल्यू यहां पे डालते हैं और R की वैल्यू फिर से ये यहां पर पुट करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी विल गेट दिस। तो दिस इज गिवन इन सी ऑप्शन इन द सेम क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसमें इस पार्टिकल का जो रेडियस है वो n का इंटीजर का 2 बाय 3 होगा और v जो होगा n पावर 1 बाय 3 होगा। ये दोनों बी ऑप्शन में और ये सी ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन के बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक यहाँ पर एक फिलामेंट है और वो पॉइंट सोर्स जैसे रेडिएशन एमिशन कर रहा है और ये ब्लैक बॉडी जैसा ट्रीट करेंगे इसको। उसने बोला है कि इसको ब्लैक बॉडी मानना है, उसी तरह का रेडिएशन कर रहा है और ये कुछ 2500 केल्विन टेम्परेचर के पास है और इसका सरफेस एरिया है 64 mm² है और वैक्यूम अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया तो फिर यहाँ पे वैक्यूम ही मानना पड़ेगा हमको सराउंडिंग में। ओके, तो यहाँ से हर एक सेकंड में आपको पता है इसका जो, और इसको ब्लैक बॉडी जैसा ट्रीट करेंगे तो इसका जो एमिसिव पावर होता है वो होता है सिग्मा इंटू, देखिए मैं यहाँ पे लिखा एमिसिव पावर, मतलब पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया की वैल्यू है सिग्मा इंटू टी पावर 4, ये स्टीफन बोल्टजमैन लॉ के हिसाब से सिग्मा इंटू टी का पावर 4। तो इसमें से ये जो कितना एमिट कर रहा है पावर, ये अगर हम निकालना है तो निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल 64 × 10⁻⁶। देखिए पी की वैल्यू ये इंटू सिग्मा इंटू टी पावर 4। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खासियत ये है, ये क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्चुअल डिफिकल्टी कुछ भी नहीं आई, लेकिन भाई साहब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत भयंकर वाले दिए हैं और इसके तीन तीन ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए तीन बार भी भयंकर भयंकर वाले इसके कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये देखो पावर, इसका पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, सॉरी पर ए एरिया से हर एक सेकंड में कितना पावर एमिट हो रहा है, ए इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4। इसका एरिया 64 mm² है, देखिए मैंने यहाँ पे एरिया डाला है, सिग्मा की वैल्यू डाली है, सिग्मा यानी स्टीफन कॉन्स्टेंट वो होता है, वो दिया है हमको 5.67 × 10⁻⁸ और टेम्परेचर हमको दिया है 2500। तो मैंने 25 का, जैसे देखिए इसका 20 का 4th पावर लेना है, तो 25 का भी 4th पावर लिया इंटू 100 करके उसको 100 का 4th पावर ले लिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बॉडी जो पावर रेडिएट कर रही है वो कुछ 141.8 वैट में दिया गया है, लेकिन पहले ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि जो पावर रेडिएटेड विल बी 642 वैट टू 645 वैट, लेकिन हमारा ये जो पावर रेडिएट आ रहा है 141.8 वैट आ रहा है, तो उस रेंज में नहीं बैठेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका गलत है।
दूसरा बोला है रेडिएटेड पावर एमिटिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन द रेंज 3.15 to 10^-8। देखिए यहां पर एक ये सोर्स है बेटा, ये तो एमिट कर रहा है एनर्जी, यहां पर कोई तो एक ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए उसकी जो आई का जो साइज है ये, और इसका ये जो आई है उसका, इस आई का जो रेडियस है कुछ मेरे ख्याल से 3 mm दिया गया है। तो देखिए ये एमिट करेगा, तो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से कुछ 100 meter दूरी पे है, तो हम क्या करते हैं इसको पॉइंट सोर्स मान के, इसको सेंटर मान के 100 meter रेडियस वाला स्पीयर मानेंगे। तो स्पीयर मानने की वजह से क्या होगा, ये हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है पी, तो वो सारी की सारी एनर्जी हर एक सेकंड में पूरे स्पीयर से आउट हो जाएगी, बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी, पूरे 4π r² एरिया से कितनी एनर्जी हमें एमिट हो जाएगी पी, जो भी एमिट कर रहा है इतनी 141.8 यानी पी एनर्जी पूरे 4π r² एरिया से एस्केप हो जाएगी। तो इसके हर यूनिट एरिया से कितनी एस्केप हो जाएगी फिर, ये पावर अपॉन 4π r², ये इसके हर यूनिट एरिया से 4π r². तो ये जो आय है आर रेडियस वाला आय है, इसका रेडियस, इसका सरफेस एरिया, इसका जो एरिया जो होगा पैसेज वाला जो एरिया है आय का, ये जो वेलकमिंग एरिया होगा वो होगा π r². तो हर यूनिट एरिया में से इतनी एनर्जी एस्केप हो रही स्पीयर से, हर यूनिट एरिया से अगर इतनी एनर्जी एस्केप होगी तो इस आई में से कितनी घुसेगी, अगर आई का एरिया अगर π r² है तो ये होगा ये यूनिट एरिया इंटू यूनिट एरिया से जाने वाली एनर्जी इंटू π r² कर दो। तो ये सॉल्व करते हैं तो कुछ हमको पी डैश की वैल्यू कुछ लगभग 3.19 × 10^-8 वैट आती है, जो कि एग्जैक्टली उन्होंने जो दी रेंज दी है उसी रेंज में आ जाती है, 3.15 × 10^-8 वैट टू 3.25 के बीच में आती है। तो सो दिस आंसर इज करेक्ट है। अब इसके बाद बोला है कि द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको पता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अगर हमने पढ़ा हो तो वेवलेंथ, ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का वेरिएशन किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह से होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के पास वो द वेवलेंथ विच हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा एम, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है लैम्डा एम इंटू टी, इसे हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पर बी यानी वीन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट जो कि यहाँ पे गिवन है, तो हमको लैम्डा एम ढूंढना है, टेम्परेचर तो पता है हमको, सो टेम्परेचर वी नो 2500, बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स नियर अबाउट 1160 एग्जैक्टली आता है, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन अगर लास्ट वाला जो ऑप्शन डी ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो इस आई में एंटर होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स ढूंढने हैं, यदि अगर उन्होंने एक एवरेज वेवलेंथ हमको दिया है कुछ 1740, इनके हिसाब से जो भी एवरेज वेवलेंथ गिवन है वो है कुछ 1740 नैनोमीटर एवरेज वेवलेंथ दिया है। तो देखिए, तो मान लीजिएगा हम जानते हैं कि एक फोटॉन की एनर्जी मान लीजिएगा एच न्यू है, या फिर एच एनर्जी जो है एक फोटॉन की, इसमें इसके अंदर घुसने वाले एक फोटॉन की एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा, राइट। तो एक सेकंड में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स घुसेंगे तो एक सेकंड में इतनी एनर्जी एंटर होंगी आई के अंदर, और एक सेकंड में एंटर होने वाली एनर्जी को हमने इसका पावर बोलेंगे, द पावर एंटरिंग इनटू द जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया पी डैश। तो इसमें हमें चाहिए एन, तो एन इज इक्वल पी डैश लैम्डा बाय एच सी, देख सकते हैं पी डैश लैम्डा बाय एच सी, पी डैश लैम्डा की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है और एच और सी की वैल्यू कुछ इस तरह से आते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 2.80 × 10^11, जो कि डी ऑप्शन है इसका, वो भी करेक्ट है। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, ये कुछ थोड़ा सा इजी सवाल है। Sometimes it is convenient to construct a system of unit so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimension of different quantities are given in terms of x. तो x नामक कोई तो भी quantity है, वो displacement, velocity, acceleration, momentum, force के साथ इस तरह से डिपेंड कर रही है, एक्स नाम की कोई तो भी क्वांटिटी है। तो पोजीशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स का पावर एल, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर बीटा, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर पी, और मोमेंटम को लिख सकते हैं एक्स का पावर क्यू, और फोर्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर आर। तो इसका अगर डायमेंशन इक्वेशन लिखता हूं तो एस का डायमेंशन होता है एल, और एक्स का तो नहीं पता इसे अल्फा ऐसे रख देते हैं, वी का डायमेंशन होता है एल पावर टी माइनस वन एक्स पावर बीटा, ए का होता है एल पावर एल इंटू टी पावर माइनस टू एक्स पावर पी, मोमेंटम का है एम एल टी माइनस वन एक्स पावर क्यू, एम ये फोर्स का है एम एल टी माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स पावर आर कर दिया। इसमें हमने क्या किया, इसको
देख सकते हैं आप कि ये जो इक्वेशन है कौन सा वाला, ये थर्ड वाला, जैसे मोमेंटम वाला और वेलोसिटी वाला। मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड किया, एम एल टी माइनस वन को, या फिर एल इंटू टी माइनस वन को एम एल टी माइनस वन से डिवाइड कर दिया। एम एल टी माइनस वन को एल टी माइनस वन से डिवाइड कर दिया, इधर बचेगा एम, तो इसका पावर था एक्स का पावर क्यू, और इसका पावर था इज इक्वल था एक्स पावर बीटा, तो एक्स का पावर क्यू बाय एक्स पावर बीटा कर दिया, तो एक्स का पावर क्यू माइनस बीटा होगा। उसी तरह से हमने एम एल टी माइनस टू फोर्स का जो इक्वेशन है उसको एक्सेलरेशन के इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो इधर बचा एम, और इधर एक्स का पावर आर है और यहां पर एक्स का पावर पी है, तो एक्स पावर आर बाय एक्स पावर पी करेंगे तो एक्स का पावर आर माइनस पी। फिर इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला टर्म, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एक्स बराबर है तो उनके पावर भी बराबर होना चाहिए, तो क्यू माइनस बीटा इज इक्वल आर माइनस पी किया, तो बीटा इज इक्वल क्यू प्लस पी माइनस आर। तो ये पहला, ये मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन में, बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन को दर्शा रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो वेलोसिटी वाला था ना इसको हमने ट्वाइस कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू और एक्स का पावर टू बीटा हो गया। ओके, अब हमने इसके बाद हमने क्या किया कि इसको एल स्क्वायर को एल इंटू टी माइनस टू लिखा, एल इंटू टी माइनस टू, एक एल था तो उसके जगह पे एक्स का पावर अल्फा लिखा, एल इंटू टी माइनस टू के जगह पे एक्स का पावर पी लग गया, तो इधर एक्स का पावर एल अल्फा प्लस पी हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स पावर बीटा टू, तो अल्फा प्लस पी के बराबर टू बीटा होगा। ये हमारा पहला ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन करेक्ट आते हैं, वो ए और बी। काफी आसान सवाल था, जस्ट सिंपल डायमेंशन से ये आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते, तो ये भी काफी आसान सवाल है। इसमें क्या है कि जिस तरह से हम प्रोजेक्टाइल यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कुछ एंगल थीटा से, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से पैराबोला के पाथ में जाता है, तो उसका रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी होता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी एब्सेंस है, लेकिन ग्रेविटी के बदले एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है यहां पर, एक ऑब्जेक्ट की जगह प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर इस वर्टिकली हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर q इंटू ई फोर्स लगेगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास है तो m इंटू ए इज इक्वल q इंटू ए, तो इस चार्ज पार्टिकल का जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्यू ई बाय एम होगा, तो क्यू ई बाय एम, क्यू बाई ई की ये सब वैल्यू अगर हम डालते हैं, यहाँ पर क्यू बाई एम की वैल्यू उसने 10 पावर 10 दिया है, ई की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है, बस ये रेंज मतलब इसका जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का जैसे मोशन होगा वैसे ही होगा, बस फर्क इतना है कि वहां पर जनरली ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसके जगह पे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यू वी बाय एम है क्योंकि ग्रेविटी एब्सेंट है, और यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल को आ रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है, तो ए के बदले हमने ये पुट करेंगे। तो इसमें आर और क्या बोला गया है कि यहां से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टारगेट रखा गया 5 मीटर दूरी पे, ये चार्ज पार्टिकल यहां से फेंका गया चार्ज पार्टिकल यहां पे टारगेट को हिट करना है, यानी उसकी रेंज 5 मीटर होनी चाहिए, तो रेंज के फॉर्मूले में 5 मीटर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यू मुझे गिवन है, साइन टू थीटा हमें नहीं पता, ए भी हमने कैलकुलेट किया, ये सब सब्स्टिट्यूट करता हो तो साइन टू थीटा की वैल्यू √3/2 आती है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, 2u sin θ/g, तो जी के बदले ये है तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 5/6, लेकिन इसे इस तरह से फेंकना है कि वो टारगेट पे जाना है, तो रेंज 5 मीटर होनी चाहिए, हम जानते हैं अच्छे से कोई भी थीटा एंगल के लिए और 90-θ एंगल के लिए रेंज सेम हो जाती है, यदि अगर 30 डिग्रीज के लिए रेंज 5 मीटर आ रही है इसकी, तो 90-θ यानी 60 डिग्रीज के लिए भी रेंज 5 मीटर होगी, मतलब दो एंगल के लिए इसी तरह का सेम रेंज होगी, एक 30 डिग्रीज होगा एक 60 डिग्रीज होगा, तो 60 डिग्री के लिए जो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2u sin θ/a के हिसाब से, जी के हिसाब से, जी की जगह पे ये तो 5/2 आएगा माइक्रो सेकंड, तो इसके 30, तो इसका मतलब ये टारगेट को हिट करने के लिए ये चार्ज पार्टिकल को या तो 30 डिग्री से फेंकना पड़ेगा या तो 60 डिग्री से फेंकना पड़ेगा, दोनों एंगल से वो 5 मीटर दूरी कवर करेगा, और साथ ही साथ में दोनों अलग अलग केसेस में, दोनों अलग अलग एंगल के केस में भले रेंज सेम होगी 5 मीटर, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो बोलते हैं उसको हम, वो अलग होगा, और एक 30 जब आपका एंगल होगा तो टाइम √5/6 होगा, और आपका 60 डिग्री होगा तो √5/2 एंगल होगा। इसके इस तरह से इसके मेरे ख्याल से सी ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है इसका सी ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में देखिए आप एक डायग्राम दिया गया है, एक स्ट्रिप ऐसी दी गई है, ओके,
एक मेटालिक स्ट्रिप दी है, उसका कुछ रेजिस्टिविटी भी दिया गया है, रो मेटालिक स्ट्रिप है ऐसे, ओके। और इसका इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है, और इसका जो थिकनेस है स्ट्रिप का वो है टी। तो इसमें इस दो एंड को वी नॉट बैटरी, वी नॉट पोटेंशियल वाले बैटरी को लगा दिया, और इसमें से आई करंट एंटर हो रहा है, सेम आई करंट बाहर निकल रहा है। तो देखिए जरा सा इसमें क्या होता है कि यहां पर आई करंट एंटर हो रहा है, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एंटर होते होंगे, ऑब्वियसली इसका उल्टे ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं, प्रोटॉन यहां पे अगर करंट ऐसा जाता है तो इधर जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एंटर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलनी चाहिए सेम सेकंड में। तो अगर ये बात ऐसी है तो हर क्रॉस सेक्शन पे अगर करंट सेम होना है तो यहां पर भी कोई भी क्रॉस सेक्शन लेता हो तो इस क्रॉस सेक्शन में भी जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे एक सेकंड में एंटर हुए थे उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एंटर होने चाहिए। लेकिन एक बात देखने वाली क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा कम लेंथ ट्रैवल करेंगे और ये आउटर वाले यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इनकी स्पीड कम होगी। तो ये कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये जो फ्लो है ये क्रॉस सेक्शन अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आना चाहिए, ये क्रॉस सेक्शन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये जो वी कैन अज्यूम वन एक रॉड है ऐसा मान लीजिए, और रॉड कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से एक रॉड ऐसा घूम रहा है, ऐसा रॉड मतलब ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग ऐसे ऐसे आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एंगुलर स्पीड से आनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है कि करंट, पहला जो ऑप्शन है करंट का दिया, तो चेक करते हैं वो पहला ऑप्शन सही है कि गलत है। तो देखिए तो यहां पर मैं इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में तोड़ता हूँ, इसको इस रॉड को रेडियली ऐसे स्ट्रिप्स में तोड़ता हूँ, एक स्ट्रिप ही यहां से कुछ तो भी एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप हमने ली जिसका विड्थ है डी एक्स। देखिए ये एक स्ट्रिप हमने ली है यहां पर जिसका विड्थ है डी एक्स और इसका रेडियस है एक्स मान लेते हैं। तो dx इतना छोटा है कि इसका रेडियस ये पूरे ड्यूरिंग दिस होल स्ट्रिप द रेडियस इज सेम x। तो आप देख सकते हो इसमें इसका इसका विड्थ है dx और इसका थिकनेस है t। तो ये जो यहाँ पे एंटर होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एंटर होने वाले करंट के लिए जो क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा समथिंग dx into t। तो एक स्ट्रिप अगर मैं देखता हूँ तो ये वाली स्ट्रिप की जो लंबाई है वो होगी पाई x। तो ये वाली स्ट्रिप का इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो और इस स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन है पाई इंटू सॉरी इस रो इंटू इसकी जो लंबाई है पाई इंटू एक्स अपॉन ए। ये का मतलब होगा इसका क्रॉस सेक्शन कितना है डी एक्स इंटू टी। तो ये एक छोटी सी स्ट्रिप ली गई है, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिप्स में अगर इसको हमने तोड़ा तो ये सारे ये वाला स्ट्रिप का पोटेंशियल पहली वाली जो स्ट्रिप ये मैंने ये वाली ये दो पॉइंट के बीच में का डिफरेंस यहाँ जितना होगा बाजू में अगर कोई स्ट्रिप लेता हो यहाँ और यहाँ पे तो इन दो ये दो पॉइंट के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब जितनी भी हमने यहाँ पे रेडियली ऐसे स्ट्रिप्स हमने बनाए सारे के सारे स्ट्रिप सेम पोटेंशियल डिफरेंस के पास रहेंगे। इसका मतलब है सारे के सारे स्ट्रिप जो है वो सेम इलेक्ट्रिकली सेम पोटेंशियल डिफरेंस में है। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रिप्स है ये जितनी भी स्ट्रिप्स में इसको मैं तोड़ रहा हूँ वो सारे के सारे स्ट्रिप्स पैरेलल कंसीडर कर सकता हूँ। तो हर एक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस इतना है और ये पैरेलल में है तो उनका इक्वलेंट 1/r के 1/r1+1/2/1/3 रहेगा। तो हमें क्या कर रहा हूँ 1/dr का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, r का इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए पैरेलल में, तो 1/r ले रहा हूँ 1/dr लिया और उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा। dr का मतलब तो ये आया था हमको 1/dr की वैल्यू ये होगी और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो r कुछ इस तरह से आएगा। तो करंट क्या होना चाहिए फिर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया स्ट्रिप का इतना, तो करंट क्या होना चाहिए पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट बाय इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तो ये आया था तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर ये अगर डालता हूं तो ये कुछ आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से करंट पासिंग थ्रू दिस विल बी इन दिस फॉर्म और ये पहला ऑप्शन दिया गया, इसलिए फर्स्ट ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। दूसरा सवाल है इसमें द आउटसाइड सर्फेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सर्फेस। देखो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जब इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन करंट अगर ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस सेंटर के पास अगर आप खड़े रहोगे तो दीज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर इसके फ्रेम में इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मान ली इसका रेडियस अगर एक्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उनके ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उनके ऊपर।
तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोई ना कोई तो बैलेंस करना होगा, तो डेफिनेटली यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्टैटिक एक्युमुलेशन हो जाता है इधर वाले रीजन में, तो इधर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और इधर पॉजिटिव मतलब चार्ज अपीयर होता है। तो यू कैन अज्यूम कि इधर से उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ऐसा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है रेडियल वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक्युमुलेट हो जाते हैं एज की तरफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्युमुलेट होते हैं तो इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लगाएगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई आया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई फोर्स लगाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा स्क्वायर एक्स को बैलेंस करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय ई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो पॉइंट के बीच में अगर मैं देखता हूं तो वो कुछ, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, तो हम जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल घटता है, तो दिस पॉइंट लोअर पॉइंट ये जो इनर साइड जो होगा वो हाइयर पोटेंशियल पर होगा, इनर पॉइंट हाइयर पोटेंशियल होगा और आउटर एज लोअर पोटेंशियल के पास होगा। तो ऑप्शन में देखिए उन्होंने क्या बोला है, बी ऑप्शन में द आउटर सर्फेस इज एट अ हाइयर वोल्टेज, वो गलत है, द आउटर सर्फेस इज एट लोअर वोल्टेज एंड इनर इज एट द आउटर सर्फेस इज एट लोअर वोल्टेज दैन द इनर, ये इसके कंपैरिजन में लोअर पे है, सही है, ये ज्यादा पोटेंशियल के पास होगा और ये लो पोटेंशियल के पास होगा। और चौथा ऑप्शन बोला है, मतलब इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, पहला ए तो करेक्ट है, इसके बाद सी करेक्ट है, इसके बाद अगर डी के बारे में चेक करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये रेडियल वाला रेडियल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएक्स, छोटा सा यहां पर हमने डीएक्स लिया है, देखिए यहां पर एक्स दूरी पे, यहां से एक्स दूरी पे एक डीएक्स विड्थ वाला स्ट्रिप हमने ले लिया है डीएक्स, तो ई आर इंटू डीएक्स, ई आर का मतलब ओमेगा स्क्वायर एक्स एम, ओमेगा स्क्वायर एक्स एम बाई जो था ओमेगा स्क्वायर एक्स एम बाई ओमेगा स्क्वायर एम बाई तो है ही, यहां पे होना चाहिए, और x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई टू और लिमिट डालता हूं तो r1 से r2 तो ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमको, सो दिस इज सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस आया डेल्टा v इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई टू ई, लेकिन हमको डेल्टा v को i के टर्म में चाहिए, इसमें ओमेगा अननोन है, उस ओमेगा को रिप्लेस कर लेते, ओमेगा को निकालने के लिए और एक तरीका है, देखिए सर तो यहां पर पूरा करंट जा रहा है i, तो यहां पर छोटा सा हमने क्रॉस सेक्शन लिया इधर dx विड्थ है उसका, dx width है, thickness t है, तो cross section होगा dx into t, तो हम जानते हैं सर current density j is equal to mev होगी और इस dx width पे जितने भी charges जा रहे हैं उनकी velocity होगी omega into x, तो j is equal to mex omega होगा, तो current क्या होगा उस छोटे से strip size का, ये तो यहाँ पे हमने छोटा सा dx width वाला एक cross section assume किया है, ये dx width है इसका thickness t है, तो इसमें से घुसने वाले charges की वजह से जो current आएगा वो होगा current density into area, करंट डेंसिटी मतलब एनी एक्स ओमेगा इंटू एरिया डीएक्स इंटू टी, लेकिन आपको टोटल करंट चाहिए तो मुझे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल आर वन से लेकर आर टू तक, आर वन से लेकर आर टू तक इसको इंटीग्रेट करता हूं तो करंट कुछ इस तरह से आएगा आई इज इक्वल एनी ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाय टू, तो इसमें से ओमेगा की वैल्यू आई टू आई बाई समथिंग आ जाएगा, तो इस ओमेगा की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, तो आप देख सकते हो डेल्टा वी इस आई स्क्वायर पे, बाकी के जितने भी टर्म्स है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो आपका ये जो डेल्टा भी आई स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता हुआ नजर आएगा, तो इसमें का डी ऑप्शन भी आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन के क्वेश्चन में कुल मिला के ये ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है और साथ ही साथ में डी भी करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन में जैसे कि डायग्राम में दिया है, देखिए एज शोन इन द डायग्राम टू वेसल कंटेन्स वाटर सोल्यूशन एट टेम्परेचर टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एन वन और एन टू, इसमें एन वन कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन वन है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन टू है, ओके मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विद डिफरेंस डेल्टा एन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस डेल्टा एन इज इक्वल एन वन माइनस एन टू है, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय ट्यूब ऑफ स्मॉल लेंथ एल, ये ट्यूब है जिसका लेंथ एल है, कंसिडर और क्या बोला गया है, व्हेन द कनेक्टेड बाय ट्यूब ऑफ स्मॉल लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एस, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ एस है, पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट्स टू डिफ्यूज, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डेल्टा एन, जब इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और इधर का कम है तो इधर से इधर मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे,
पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल जो है इधर से इधर डिफ्यूज हो जाएंगे, और क्या बोला गया है, कंसीडर द कलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है आइडियल गैस जैसे बिहेव करता है, अजम्पशन लेना है। और प्रेशर जो है उनका पार्शियल प्रेशर, द स्पीड वी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और यहां से गुजरने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनकी जो स्पीड है, एक विस्कस फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, और वो विस्कस फोर्स समथिंग बीटा इंटू वी इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। और ये जो मॉलिक्यूल्स इधर से जब इधर जा रहे हैं तो ये दोनों भी कंटेनर में जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स है उनको आप आइडियल गैस जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो आपको कुछ नीचे कंडीशन दी है, देखिए कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिए अब आइडियल गैस का इक्वेशन है पी वी इज इक्वल एनआरटी, मतलब इसमें एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन वी वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलर मास ऑफ द मटेरियल इन द वी वॉल्यूम अपॉन मोलर मास उसी का। तो वी को नीचे लिया, ये टोटल मास है, टोटल मास मान लेते हैं, इसमें उस वी वॉल्यूम में टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है वी वॉल्यूम में, राइट, और हर एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, तो ये टोटल मास होगा, और इसका मोलर मास है मान लो कैपिटल एम, तो कैपिटल एन बाय स्मॉल वी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलता है। इस कैपिटल एम को मोलर मास है, तो एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, आर इंटू टी, एन बाय वी को हमने स्मॉल एन बोला, स्मॉल एन मतलब यहाँ पर मोल नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये mm गया, r by n को तो k लिखेंगे, ठीक। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इंटू के टी, ये हो जाएगा, इस तरह से बन रहा है। तो पहला सवाल है, देखिए फोर्स कितना लगना चाहिए, द फोर्स कजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव, मतलब इधर से इधर मॉलिक्यूल को कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा। देखिए प्रेशर, इधर का प्रेशर कितना होगा P1 मानते हैं, इधर का प्रेशर है P2, ऑब्वियसली P1 ज्यादा होगा P2 कम होगा, तो P1 इस प्रेशर डिफरेंस के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये मॉलिक्यूल को इधर से इधर ड्राइव करने के लिए यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लग रहा है। तो फोर्स शुड बी इक्वल टू P1 माइनस P2, P1 मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने लिखा है एन वन के टी, तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, इधर एन टू इंटू के इंटू टी इंटू एस, तो एन वन माइनस एन टू को अगर हम लिखते हैं डेल्टा एन, तो k into ts, this should be the expression with the force। अब देख सकते हैं पहले वाले expression से force का expression जो है वो है delta n k into ts, k by ts मतलब k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, मतलब हमने कहा था ये जब इधर से जब इधर जा रहा है तो इस फोर्स की वजह से इधर से मॉलिक्यूल इधर ड्राइव हो रहे हैं, तो एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है इतना वाला, तो अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, इतना विस्कस फोर्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में जब होंगे तो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्सेस को इक्वल करते हैं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, एक एक पार्टिकल के ऊपर बीटा इंटू वी फोर्स लगता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये दो पॉइंट के बीच में लग रहा है, मतलब इस ट्यूब के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके सबके ऊपर लग रहा है, तो नंबर ऑफ, देखो ये कौन से मॉलिक्यूल्स है जो इधर से इधर जा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल से इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर से इधर जा रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये जो लिक्विड है जिसका नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है एन वन होगा, तो इस ट्यूब में जो मॉलिक्यूल्स है हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है एन वन, और इसका जो इस ट्यूब का वॉल्यूम अगर लेता हो तो एस इन टू एल, तो एस इन टू एल इस ट्यूब के अंदर टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर, हर मॉलिक्यूल के ऊपर बीटा इंटू वी फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स इस ट्यूब के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर टोटल फोर्स बीटा वी इंटू एन वन इंटू एस इन टू एल, तो दिस शुड बी बैलेंस विद दिस फोर्स डेल्टा एन के इंटू टी एस, तो देख सकते हैं तो बैलेंस की कंडीशन क्या बनती है अपनी, तो इधर एस और ये वाला एस कैंसिल हो जाता है, तो बीटा वी एन वन इंटू एल शुड बी इक्वल टू डेल्टा एन इंटू के इंटू टी, तो उनके मुताबिक जो आंसर आ रहा है वो क्या है, एन वन बीटा वी एल, एन वन बीटा वी एल इज इक्वल डेल्टा एन के बी टी, राइट, सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इसका सही आ रहा है। अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड, इस ट्यूब से हर एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं, मानते हैं यहाँ का जो भी पार्टिकल है इस एल क्रॉस एल लेंथ को ट्रेवल करके इसमें एंटर होने के लिए सर्टेन टी टाइम लेता है, तो एल बाई टी ऑब्वियसली वी होगा, इसकी स्पीड हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स की, तो इसका मतलब टी समय में इस ट्यूब के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो इसके अंदर आ गए,
इस मतलब यहाँ का पार्टिकल तीन समय के बाद यहाँ पर अगर आता है तो इस ट्यूब में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो पूरे के पूरे इसमें एंटर होते होंगे। तो उनकी स्पीड है वी, तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टी टाइम में एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एल बाई टी मस्ट बी इक्वल टू वी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें आ रहे हैं टी टाइम में। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर? वी ऑलरेडी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन वन कॉन्सेंट्रेशन है उसका यस इंटू एल, इतने मॉलिक्यूल्स है। कितने समय में आ रहे हैं ये? टी समय में। तो एक यूनिट समय में कितने आ जाएंगे फिर? डिवाइडेड बाई टी करना पड़ेगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू एन वन एस इंटू एल, टी का मतलब होगा एल बाई वी। सो द आंसर शुड बी एन वन एस एल बी बाय एन वन एस तो दिया है एस एल बी बाय एल है, एल है ठीक है, एल एल तो गया, एन वन एस वी होना चाहिए आंसर, बट उन्होंने ऐसा नहीं दिया है। एन वन एस वी की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, एन वन एस नहीं है, इधर से एक एस डालते हैं इसमें यहां पर एक और इधर से एक एस डालते हैं, तो एन वन एस वी की वैल्यू आप लिख सकते हो इधर डेल्टा एन के टी एस एन वन एस वी की वैल्यू। नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको? बीटा इंटू एल। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन है क्या, डेल्टा एन बाय एल के टी बाय बीटा इंटू एस, सही है। तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो इसमें इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12 के ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन भी सही है। ये देखिए देख, ये टी टाइम में इतने पार्टिकल जा रहे हैं एन वन एस एल बाय, तो एक सेकंड में जाएंगे एन वन एस एल बाय टी, बट टी का मतलब हम लिखते हैं एल बाई वी, एल बाई वी लिख दिया, बट ये आंसर होना चाहिए था लेकिन इसमें इसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया। तो ये वाला हमने जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश किया था एक रिलेशन, एस की कमी थी तो दोनों तरफ से मैंने एस डाला है, तो यहां पर एन वन एस वी के जगह पे एन वन एस वी के जगह पे यहां से एन वन एस वी के जगह पे डेल्टा एन के टी एस बाय बीटा एल लग गया, इस तरह ये ऑप्शन सही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक ऐसा एक मीटर स्केल है, मतलब 1 मीटर जिसकी लेंथ है, देखो एक्स इज इक्वल 0 से लेके एक्स इज इक्वल 100 सेंटीमीटर तक, एक फिंगर यहाँ पर इस एंड पे रखा है और एक फिंगर यहाँ से 90 वाले सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब इधर ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये सेंटर से 40 सेंटीमीटर के पास है ना, ये 40 सेंटीमीटर, ये यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली 50 के पास होगा, राइट, ये 50 है यानी 50 से 90 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो एक फिंगर यहाँ रखा गया है और एक फिंगर यहाँ रखा गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कम। तो अगर हम इस फिंगर को अगर हम सेंटर की तरफ अगर मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा यहाँ पर, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कम है तो यहाँ का फ्रिक्शन कम है, तो ये वाला पॉइंट स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इधर स्टैटिक लग रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है। तब तक ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ये जैसे जैसे इधर आ रहा है तो ये भी इधर जाता होगा, लेकिन ये स्केल के रिस्पेक्ट में ये जो फिंगर है ये मूव नहीं कर रहा है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और ये जो है ऐसा स्लिप करते हुए आ रहा है, ये ऐसा स्लिप करते आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है इधर का, ये जो पॉइंट है इधर का, ये जो पॉइंट है इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और ये वाला पॉइंट है इसको स्लिप करते जा रहा है। जाहिर सी बात है इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर स्टैटिक, क्योंकि इधर नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से स्टैटिक यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा है, स्लिप नहीं हो रहा है वहां पर। तो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ये वाला कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इधर वाला जो लेफ्ट साइड का जो फिंगर है वो स्लिप करना चालू कर दिया, सर्टेन डिस्टेंस के पास ये स्लिप करना चालू कर दिया। तो जब ये स्लिप करना चालू होगा और हमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिए गए हैं, मेरे ख्याल से स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.32। तो जब यहां से सेंटर से जब ये लेफ्ट फिंगर एक्स दूरी पे था तब सेंटर से ये जो फिंगर एक्स दूरी पे था तब ये स्लिप करने लगा, ये इसका मतलब ये तो तब से मूव ही कर रहा है, ये मूव करना चालू हो रहा है, मतलब यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया, मतलब यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, और ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। तो इस केस में यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N1 मानते हैं, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N2। तो ये सेंटर मास के अबाउट में ये रिंग तो ऐसे ये मीटर स्केल तो ऐसे रोटेट नहीं हो रही है, तो ये दोनों का टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। तो एक बार टॉर्क बैलेंस करेंगे तो ये वाला रिलेशन आ रहा है N2 into x और इसका 40 into N1 और
When it is, जब ये x दूरी पे था, ये इधर मूव करते करते जब x दूरी पे था तो इट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन, मतलब यहाँ पे जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ का फ्रिक्शन होगा म्यू इज इंटू एन वन और यहाँ का फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन टू, राइट। तो इसमें इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ का इंटू जाएगा एक्स बाई म्यू के और इधर 40 बाई म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू ये और म्यू की वैल्यू ये डालते हैं तो एक्स की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आया। तो पहली बार जो लेफ्ट साइड से आने वाली जो फिंगर है सेंटर से 32 सेंटीमीटर के पास जब थी तब राइट साइड वाली फिंगर क्या हो गई, स्लिप होना चालू कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये यहां पर रुक गई है, ये यहां पर रुक गए और ये इधर स्लिप, ये इधर मूव कर रहे हैं क्योंकि यहां का भी नॉर्मल रिएक्शन सफिशियंटली ज्यादा हो गया क्योंकि ये 32 है, ये 32 है और ये 40 है तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब ये भी क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है तो इधर का काइनेटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ का फ्रिक्शन कम है तो ये रुक जाएगा और ये मूव कर रहा है। ये जब मूव कर रहा है बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो फिर से ये इधर से फिर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये यहीं पे है, ये वाला पॉइंट इसके साथ आगे जा रहा है, मतलब बिना स्लिपिंग के आगे जा रहा है और ये इधर वाला जो राइट फिंगर है वो ऐसा स्लिप करते करते इधर आ रहा है। तो जब राइट फिंगर आपका सेंटर से एक्स दूरी पे था तब फिर से ये वाला स्लिप करना चालू कर दिया, ये फिर से आपका ये जो था इधर का जो साइड था जो सेंटर से 32 मीटर सेंटीमीटर दूरी पे था, ये इधर वाला लेफ्ट फिंगर ये भी स्लिप करना चालू कर दिया। तो जब राइट फिंगर सेंटर से कितनी दूरी पे होगा तब ये फिर से स्लिप करना चालू करेगा, ये स्लिप करना चालू करेगा वो हमको ढूंढना है, मतलब कब ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमको, सेकेंड टाइम में राइट फिंगर कौन से दूरी पे होगा सेंटर से तब लेफ्ट फिंगर जो कि 32 सेंटीमीटर से था सेंटर ऑफ मास से वो स्लिप करना चालू कर देगा। यानी का मतलब है यहाँ पे तो काइनेटिक लग रहा है, यहाँ का फ्रिक्शन क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। तो अभी n2 इनटू इधर लिमिटिंग लग रहा है तो n2 इनटू स्टैटिक फ्रिक्शन, n1 इनटू इधर तो काइनेटिक लग रहा है, n1 इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन दोनों बराबर कर दिए, बहुत स्लोली मूव कर रहे, बहुत स्लोली, और ये पॉइंट के अबाउट में घूम तो नहीं रहा, टॉर्क बैलेंस कर देते हैं, n2 का टॉर्क n2 इनटू 32 और n1 का टॉर्क मान लीजिए ये डिस्टेंस x है आता n1 into x। तो इसमें से फिर से इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 32 बाय 0.4 और x बाय 0.32 कर देता हूं तो इसमें से x की वैल्यू 25.6 सेंटीमीटर आ जाती है, ये इसका आंसर होना चाहिए 25.6 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 14, काफी बहुत बढ़िया सवाल है, काफी ट्रिकी सवाल है। तो यहां पर एक ग्लास है, ग्लास में हमने पानी भरा है, पानी पूरा भरने के बाद और धीरे से अगर बहुत केयरफुली इसके ऊपर और थोड़े थोड़े से ड्रॉप ऐड करते जाएंगे तो इसका जो मिनिस्कस जो सरफेस होता है ना वो इस तरह से है, सेमी सर्कुलर बन गया है इसका जो सरफेस। बाहर से अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ग्लास है, यहां तक इसका जो सरफेस है दोनों तरफ से इस तरह से बन गया है, सेमी सर्कल बनाया है इस तरह से सेमी सर्कल। तो कुछ हाइट तक ये सेमी सर्कुलर शेप में बनेगा और उसके बाद ये ओवरफ्लो करने लगेगा। तो क्या मैक्सिमम इसका थिकनेस हो सकता है इस ग्लास के सरफेस तक, मतलब ग्लास के ऊपर, ग्लास मतलब ग्लास तो पूरा भरा है उसके ऊपर कितना लेवल वाला पानी इधर जम जाएगा और उसके बाद ये ओवरफ्लो करने लगेगा। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, तो ये एच निकालना है इसकी, ये एच हम एच मान लेते हैं, तो ये निकालना है। तो देखते कैसे कर सकते हैं, मैं इतना ये जो पोर्शन है इतना ये ताकि इसका जो कर्वेचर है वो सर्कुलर है, ऐसा सर्कुलर कर्वेचर बहुत बड़ा ऐसा घेरा है, राइट। तो इसमें यहां अंदर जो प्रेशर है वो पी मानता हूं, तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए, पूरी हाइट एच है तो अंदर का एवरेज प्रेशर जो है वो रोजी, यहां का प्रेशर पी नॉट प्लस रोजी एच होगा, तो यहां का एवरेज प्रेशर लेता हूं मैं रोजी एच, सेंटर के पास का प्रेशर रोजी एच बाई टू होगा। और अब मैंने क्या किया, यहां पर ये सेमी सर्कल है ना, यहां पर ये जो सेमी सर्कल है इसकी हाइट एच ये इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, अगर आप इधर से देखोगे ऐसा तो आपको ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है और इसकी जो डेप्थ है वो एच है और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ऐसे सर्कल तो है ना, ऐसा सर्कल है ऐसा, यहाँ पर हमने छोटा सा एक ये देखिए ये वाला पोर्शन बना, ये डी आर है, ये डी आर है और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर इसके अंदर इसकी जो डेप्थ जो है वो एच है, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो है रो जी एच बाई टू, एवरेज प्रेशर है प्लस पी नॉट इतना होगा और बाहर से तो पी नॉट होगा। तो फिर इस प्रेशर के कारण इसके ऊपर बाहर कितना फोर्स लगता होगा, इस प्रेशर के कारण
नेट फोर्स बाहर से पी नॉट इनटू एरिया लगेगा और अंदर से पी नॉट प्लस ये वाला नेट प्रेशर, तो ये अंदर का प्रेशर पी इंटू एरिया और बाहर से पी नॉट इंटू एरिया, तो नेट फोर्स होगा पी माइनस पी नॉट इंटू एरिया। तो इसका अगर इफेक्टिव एरिया अगर मैं लेता हूं, इसका प्रोजेक्टेड एरिया जैसे ये वाला जो ये जो लेंथ है मैं डी आर मानता हूं और इसका जो डेप्थ है इसका ऐसा वाला टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से इसका जो डेप्थ टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका जो डेप्थ एच है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया जो बनेगा जो इफेक्टिव एरिया बनेगा इस सभी सर्कल का वो इफेक्टिव एरिया जो होगा वो समथिंग डेल्टा आर इंटू एच बनेगा। तो प्रेशर के कारण बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा पी माइनस पी नॉट, इतना लगना चाहिए ये फोर्स को, फिर इतना फोर्स बाहर लग रहा है तो इसे कौन बैलेंस कर रहा होगा। तो देखिए सरफेस ये टॉप व्यू आपको ऐसे देखेगा तो ये सरफेस का ये सेमी सर्कुलर पार्ट है तो इधर वाला जो लिक्विड है इसको हर यूनिट लेंथ पे टी फोर्स लगाएगा, तो ये पूरी कितनी लेंथ है टी डेल्टा आर है तो टोटल फोर्स लगेगा टी इंटू डेल्टा आर। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि ये जो सिर्फ इधर वाला फोर्स ही कंसीडर किया है साथ ही साथ में नीचे से भी एक फोर्स लगेगा तो ये डबल फोर्स होगा। तो पी माइनस पी नॉट की वैल्यू हम यहां पे डेल्टा आर एच पी माइनस पी नॉट की जगह पे हम लिखते हैं रो जी एच बाई टू, इधर होगा टू टी इंटू डेल्टा आर, तो ये डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा तो एच की वैल्यू कुछ फोर टी बाय रो जी होगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें टेंशन फोर सरफेस टेंशन 0.07 दिया, डेंसिटी 1000 है और जी की वैल्यू 10, ये सब पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 5.3 आती है लगभग, लेकिन कुछ लोगों का आंसर आया है 3.7 समथिंग, तो इसका मतलब उन्होंने एक ही तरफ से फोर्स लिया है नीचे वाला फोर्स नहीं लिया, इसके कारण एच की वैल्यू जो आए है कुछ लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं तो उन्होंने कुछ ये काम किया है 2t by rho g, हालांकि यहाँ पे 4 आना चाहिए, दो दो सरफेसेस है तो दोनों तरफ से सरफेस टेंशन के ऊपर नीचे से वजह से फोर्स लगेगा, तो अगर इन्होंने एक ही सरफेस लिया है तो फोर्स कुछ होगा 2t by rho g 2, अगर इसमें 2t सारी वैल्यू डालता हूँ सरफेस टेंशन की ये डेंसिटी ये 10 सब कुछ डालता हूँ तो ये कुछ आती है 3.7 सेंटीमीटर मिलीमीटर करीब, ये भी मिलीमीटर ही है इसके करीब करीब आ जाती है, बट ये गलत होगा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी आसान सवाल है, तो इसमें क्या दिया गया है कि एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ जो है लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, उसको एल एलोंगेट किया गया है, एल एलोंगेट करके के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है उसको एल एलोंगेट करके उसको एक चार्ज एम मास वाला पार्टिकल और उसके ऊपर क्यू चार्ज रखा गया है यहाँ पे अटैच किया है और यहां पर एक पी डायपोल मोमेंट वाला एक डायपोल भी रखा है और वो एल दूरी एल एलोंगेट करने के बाद इस पी डायपोल मोमेंट वाले डायपोल की वजह से चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स के साथ स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो रहा है। जैसे कि देखिए डायपोल की वजह से ये देखिए आप डायपोल अगर देता हो यहां पर ये पॉइंट डायपोल है तो डायपोल एक्सियल लाइन पे आ रहा है ये चार्ज, तो एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है वो क्या होता है 2p/4πL³ और इसका चार्ज है क्यू तो फील्ड इंटू चार्ज ई क्यू क्या होगा फोर्स, इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है ये इंटू फील्ड इतना फोर्स लग रहा है राइट, और ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये स्प्रिंग के फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, KL = 2pq/4πL³ से बैलेंस हो जाएगा, एक इक्वेशन हमसे ये बन रहा है इक्विलिब्रियम पोजिशन में और ये वाला एंड तो अटैच है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार राइट। इसमें क्या इसके बाद क्या बोला गया है कि ये वाला जो चार्ज है इसको थोड़ा सा फर्दर स्मॉल बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स सरकाया, उसने डेल्टा एल बोला है लेकिन मैंने एक्स लिया, एक्स इज व्हाट फर्दर एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो एक्स इसको फर्दर एलोंगेट करके यहाँ पे छोड़ दिया तो इसके ऊपर ये जो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो है बढ़ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगने वाला वो होगा के एल प्लस एक्स होगा इधर होगा और ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा तो नया वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये होगा 2p/4πL+x³ होगा नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू करेंगे तो ये नया वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो नेट फोर्स इसके ऊपर इधर वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाहर लग रहा है तो रिजल्टिंग फोर्स अब ये होगा नया वाला यहाँ पर ये फोर्स और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, ये दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट मीन पोजिशन की तरफ रहेगा और यही फोर्स इसको SHM करवाने लगाएंगे फॉर स्मॉल आइसोलेशन एटलीस्ट। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो F = KL + KX और इसको 2pq/4πε इसमें से एल प्लस एक्स होल क्यूब है, एल क्यूब को मैंने अगर बाहर निकाला तो इधर 1 + x/L³ लिख गया। अब इसे देख के ये लगभग देखिए यही है KL = 2pq/4πε L³ है तो यहाँ पर 2pq/4πε L³ के जगह पे KL डाला है
राइट, और नीचे ये वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाय एल होल क्यूब नीचे था, उसको मैं ऊपर लेके गया तो वन प्लस एक्स होल वन प्लस एक्स बाय एल होल पावर माइनस थ्री होगा। अब यहाँ पर x के l के कंपैरिजन में x अपना बहुत छोटा है, तो ये वाला जो x बाय l है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने, तो इधर क्या होगा 1 माइनस 3x बाय l, और इस माइनस से मल्टीप्लाई भी किया तो माइनस के एल इंटू माइनस ऑफ माइनस प्लस 3kx, तो f अपना कुल मिला के 4kx के बराबर हो गया। तो फोर्स हमारा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो SHM करवा रहा है इस पार्टिकल को, वो है 4kx। तो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ये है, तो ये शुड बी इक्वल टू हमारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन में वो कुछ इस फॉर्म में दिया है, न्यू इज इक्वल वन बाय डेल इंटू के बाय एम, तो डेल के जगह पे क्या होना चाहिए पाई, पाई का मतलब 3.14। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 3.14। तो ये काफी आसान सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िए। ये गैस है जो पहले तो वी वॉल्यूम से 4V वॉल्यूम तक अंडर टेम्परेचर T1 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बाद इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया गया, ठीक है, हीलियम गैस है तो वो मोनोटोमिक गैस, राइट, मोनोटोमिक गैस है तो मोनोटोमिक गैस का गामा क्या होगा, वन जनरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में रिलेशन होता है, गामा इज इक्वल 1+2f, मोनोटोमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं तो गामा इसका 5/3 होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्कडन होगा nRT ln V2/V1 होता है, V2 का मतलब 4V, V1 का मतलब V, तो 4 हो गया। तो इस वर्क को मैंने ऐसे रख दिया। अभी इसके बाद जब वॉल्यूम उसका 4V हो गया था तो 4V से 32V तक इसको एडियाबेटिकल एक्सपेंड किया। तो इस प्रोसेस में मान लो टेम्परेचर यहाँ पे T1 था और टेम्परेचर T2, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगी, तो इसलिए टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी वर्क डन बाय द गैस, एक्चुअली इधर माइनस लेंगे तो T2 माइनस T1 लगाना पड़ेगा, तो मैंने इधर माइनस हटा के T1 माइनस T2 कर दिया। तो दिस इज गामा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, आप रिफर करिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इधर NR गामा माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर आती है 3/2, यहाँ पे गामा की वैल्यू 5/2 डालता हूँ, तो ये 3/2 NR T1 माइनस T2, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये रिलेशन रहता है, T1 V1 पावर गामा माइनस 1 T2 V2 गामा माइनस 1, तो V1 का मतलब 4V वॉल्यूम है, V2 का मतलब 32V वॉल्यूम है, तो इसमें से टेम्परेचर का जो रेशियो आ रहा है T1 के बदले 4T2 आ रहा है, मतलब T2 का मतलब T1/4 होगा। तो इस इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला था वर्कडन का, इस T2 के बदले हमने लिखा T1/4, तो वर्कडन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कुल मिला के 9NRT1/8 आ रहा है। तो हमें इन दोनों का रेशियो लेना है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में जो वर्क हो रहे हैं ना उनका रेशियो 10/10 करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो इसमें क्या आ रहा है NRT1 दोनों में कैंसिल हो रहा है, ऊपर LN4 बच रहा है, इसका 9/8 ऊपर गया। LN4 को हम क्या लिख सकते हैं, LN2 का स्क्वायर, 2 इधर आ गया तो इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16/9 होगा, 16/9 इंटू LN2, तो 16/9 की वैल्यू होगी 1, ये तो 1.777 भी आती है, या फिर इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.77 भी लिख सकते हैं या फिर 1.78 भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो ऑप्शन दिया गया था उसमें बोला गया ये जो रेशियो है समथिंग एफ इंटू एल एन टू होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से एफ के तो दो वैल्यू आ रही है, 1.77 भी चलेगा 1.78 भी चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के दो आंसर पॉसिबल है, 1.77 भी पॉसिबल है, 1.78 भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया मेरे ख्याल से। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या है, एक ओपन ट्यूब या फिर क्लोज ट्यूब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, दूसरा वाला एंड है, एक ही ओपन रहता है इसमें, तो एक कुछ तो भी गिवन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है, ये स्टेशनरी है बट वाइब्रेट कर रहा है, इसके साथ यहाँ की एयर रेजोनेंस में, तो हो सकता है कोई तो भी इसके क्या बोलते हैं उसको हार्मोनिक या फिर ओवरटोन में वाइब्रेट करती होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि nth ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, तो f इज इक्वल टू आई एन प्लस 1/4 × 8, ये उसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये v मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, फ्रीक्वेंसी इज द ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। अभी
इस ये सारा ये जो इतना बड़ा दिख रहा है इसको इसको मैंने समथिंग के बाय एल कर दिया, एल ही लेना है, बाकी का ये सब कॉन्स्टेंट है, तो के वी बाय एल कर दिया हमने। अभी क्या हो रहा है कि हमारा ट्यूनिंग फोर्क 2 मीटर पर सेकंड से हमें नहीं बोला गया कि दूर जा रहा है कि करीब आ रहा है, लेकिन मूव कर रहा है पैरेलल टू दिस पाइप। तो क्या होगा, ये रेजोनेंस ट्यूब जो एक्सपीरियंस करेगा, जो फ्रिक्वेंसी रिसीव करेगा इसकी, वो अपेरेंट होगी, है ना। तो ये सोर्स मूव कर रहा है ना, ये वाइब्रेशन करने वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है, जो फ्रिक्वेंसी को सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट के वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये जो ऑब्जर्व करेगा वो अपेरेंट होगी, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये स्टेशनरी सोर्स, मतलब अगर हमारे रेस्पेक्ट में अगर सोर्स स्टेशनरी है तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। तो इधर वी प्लस आर माइनस वी नॉट बाय वी प्लस आर माइनस वी एच। वी नॉट मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर मतलब यहाँ पर हमारा ये ट्यूब ही है, इसकी स्पीड तो है नहीं कुछ, इसलिए यहाँ पे जीरो कर दिया। ओके, नीचे प्लस आर माइनस वी एस, हमको ये नहीं पता, वी एस मतलब इस सोर्स की स्पीड, यहाँ पे सोर्स हमारा ट्यूनिंग फोर्क है, हमें ये नहीं पता कि ये दूर जा रहा है कि करीब आ रहा है, इसलिए प्लस आर माइनस दोनों रखे हमने, तो वी नॉट तो जीरो कर दिया यहाँ पे। तो ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी कुल मिला के एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ वी बाय वी प्लस आर माइनस वी एस होगा। तो एफ डैश बाय वी की वैल्यू होगी वी बाय वी प्लस आर माइनस एफ, दोनों तरफ से मैंने माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू वी एस बाय वी प्लस डेल्टा वी एस। तो हमें क्या रिलेशन पता है, देखिए, तो f इज इक्वल के एल बाई वी होता है, तो इसको दोनों तरफ से फ्रैक्शनल चेंज लेता हूँ, तो डेल्टा f बाई एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा l बाई एल होगा, तो डेल्टा l बाई एल विल बी इक्वल टू डेल्टा f बाई एफ। परसेंटेज चाहिए मुझे, तो दोनों तरफ ये डेल्टा l बाई एल का परसेंटेज चाहिए हमको, मतलब इसको 2 मीटर पर सेकंड से अगर जब मूव करवाओगे तो इसका लेंथ का कितना परसेंट इसके लेंथ को चेंज करना चाहिए, सो दैट द ट्यूनिंग फोर विल बी अगेन विल बी इन रेजोनेंस विद द वॉट एयर। तो एयर के साथ ये ट्यूनिंग फोर्क जब मूव कर रहा है तब भी रेजोनेंस में अगर रहना है तो मिनिमम इसकी लेंथ कितनी आपको बढ़ानी पड़ेगी, इसके लेंथ का कितना परसेंट आपको लेंथ इसकी बढ़ानी पड़ेगी, ये सवाल है। तो डेल्टा एल बाई एल निकालना है आपको, तो डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 के बराबर है, तो डेल्टा एफ बाई एफ तो हमारा वी एस बाई वी प्लस आर माइनस वी एस आया, तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी हमारी वी एस, डेल्टा एफ बाई एफ का मतलब ये यहाँ पर पुट कर रहे हैं इंटू 100, तो डेल्टा एल बाय एल का परसेंटेज वी एस की वैल्यू 2 है, वी की वैल्यू 320 प्लस आर माइनस 2 इंटू 100 है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि मिनिमम चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम, देखिए अगर ये लोअर वाला वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये मिनिमम होगा, तो ज्यादा होना है तो इधर प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं लिया, इधर प्लस लेता हूँ 322। उसने बोला है कि मिनिमम कितना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसका लेंथ, मिनिमम कितना परसेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 2/322 × 100% कर दिया, तो ये वैल्यू आती है 0.625। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, राउंड ऑफ करना है तो इधर 5 है तो इसको 25 करना है या फिर 2 रखना है, तो 0.62 कर देता है, इसका ओरिजिनल आंसर जो होना चाहिए 0.62 या फिर 0.63 भी हो सकता है। अब लास्ट में जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है इस पेपर वन में, वो काफी ज्यादा आसान है, गॉस लॉ के ऊपर है। इसमें बोला है कि एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कुछ इस तरह से बदल गई है, सिंपल है, और यहाँ पे दो सर्फेसिस लिए, एक स्फीयर लिया है, इतना बड़ा स्फीयर लिया है कि इस डिस्क को एनक्लोज कर रहा है, और दूसरा एक स्फीयर यहाँ पर देखिए, ये वाला स्फीयर इतना है कि डिस्क का रेडियस आ रहा है, तो आर बाय 4 रेडियस वाला एक स्फीयर लिया है, इसका मतलब डिस्क का कुछ हिस्सा ये स्फीयर एनक्लोज कर रहा है, तो हमें पता है, तो इस केस में जो निकलने वाला फ्लक्स उन्होंने फाइ नॉट बोला है, और इस केस में जो फ्लक्स निकल रहा है उसको फाइ बोला है, तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइ नॉट और फाइ का रेशियो चाहिए, फ्लक्स का रेशियो चाहिए। हम सब लोग जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से इसमें से निकलने वाला फ्लक्स विल बी व्हाट, टोटल चार्ज एंक्लोज मतलब टोटल चार्ज ऑन द डिस्क बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज ऑन द डिस्क कैसे निकालेंगे, डिस्क को हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, डिस्क के ऊपर एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रिप ले रहे, आर रेडियस है और डी आर उसका थिकनेस है, तो इसका जो एरिया होगा ये शेडेड रीजन का एरिया होगा 2πrdr यूनिट, यहाँ और वहां का dr इतना छोटा है, वहां पे सिग्मा कॉन्स्टेंट, इसका मतलब यूनिट एरिया पे यहाँ पर जो चार्ज है शेडेड रीजन पे वो सिग्मा है, और इस शेडेड रीजन का एरिया हो गया 2πr×dr, तो इस शेडेड रीजन में टोटल चार्ज हो गया आपका 2πr×dr×सिग्मा, लेकिन हमें टोटल चार्ज चाहिए क्योंकि इस बड़े वाले आउटर ये स्फीयर हमने ऐसा लिया कि पूरा का पूरा डिस्क एनक्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स अगर चाहिए तो टोटल पूरा का पूरा डिस्क के ऊपर का चार्ज निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट हम जीरो से लेके आर तक कर रहे हैं, तो फाइ नॉट इज द वॉट हियर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइ नॉट आ गया, मतलब इस पूरे के पूरे बाहर वाला जो स्फीयर है उसमें से निकलने वाला फ्लक्स, राइट। और मुझे सिर्फ आर बाय 4 रेडियस वाला और एक इमेजिनरी स्फीयर लिया, गॉसियन स्फीयर लिया, उसमें से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, तो इसी को मुझे सिर्फ डिस्क का उतना ही
पोर्शन लीजिएगा, डिस्का सिर्फ उतना ही चार्ज ले लो जो कि आर बाय फोर कितना बनेगा, ये आर बाय फोर रेडियस वाली जो भी डिस्क है उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा उतनी चार्ज की वजह से बाहर फ्लक्स निकलेगा। मतलब चार्ज यहाँ पे जब देखो, यहाँ पर जब मैं फ्लक्स निकल रहा था तो टोटल चार्ज लिया, उसके लिए मैं डिस्क को इंटीग्रेट जीरो से लेकर आर तक है पूरे के पूरे डिस्क के ऊपर का चार्ज लिया, और यहाँ पर सिर्फ आर बाय फोर रेडियस वाली डिस्क का ही चार्ज ले लो, तो इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे डिस्क के लिए, जीरो से लेकर आर बाय फोर तक। तो दिस इज द वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज द चार्ज ऑन द डिस्क ऑफ रेडियस आर बाय फोर, और इसमें से निकलने वाला फ्लक्स सिर्फ ये आर बाय फोर रेडियस वाले डिस्क की वजह से होगा। तो इस केस में जो निकलने वाला फ्लक्स होगा ये दो इंटीग्रेशन इन दोनों का फाइव नॉट बाय फाइव, अगर इसका भी इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करता है, इंटीग्रेशन बहुत ईजी कोई भी करने का है, ये दोनों मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं दिया है, इसका और इसका अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो ये रेशियो लगभग 6.4 के आसपास आता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6.4। इस तरह से पहला पेपर संपन्न हो गया। तो इस पेपर से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन थे, एक दुक्का एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत बेसिक कंसेप्ट पे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये रही इस पेपर को लेकर कि इसमें लेंदी कैलकुलेशन थे, बहुत गंदे गंदे कैलकुलेशन थे, तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन आपका समय खाएगा और आपको एग्जामिनेशन में पैनिक बनाने का चांस है। तो इसलिए आइंदा आप लोग को भी प्रिकॉशंस के तौर पे ज्यादा से ज्यादा इस तरह से गंदे कैलकुलेशन वाले लेंदी लेंदी कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। आप देख सकते हैं हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें क्वेश्चंस काफी आसान है, सिर्फ उसका कैलकुलेशन खराब होने की वजह से, कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होने के कारण ही थोड़ा सा ये पेपर ईजी होने के बावजूद भी थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। बाकी तो आप प्रिकॉशंस लेना, आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा करिएगा, राइट, तो आगे आप आने वाले समय में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।